हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग GTA 5 ग्रैंड आरपी, ये हमारा डे 4 है 100 मिलियन चैलेंज का, जो कि हम कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं नहीं पाते हैं। हम अभी तो बेसिक इजी जॉब और रीसेलिंग का बिजनेस करके ही कर रहे हैं। आगे है ना, जैसे जैसे 4-5 दिनों हम EMS या पुलिस कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम लोग इजी टास्क करेंगे और रीसेलिंग करेंगे, और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। जॉब, छोटी मोटी जॉब्स भी करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने पहले ऑफिस टास्क लेने के लिए। इस सीरीज़ के मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। मैंने 3 वीडियोज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, ये 4th वीडियो है। तो चलते हैं। ऑफिस टास्क में काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, और बैटल पास टास्क से भी काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। तो जल्दी से आते हैं इस ताऊ के पास। ले ताऊ, दे दे कुछ ऑफिस का धंधा। अगर 10 मिलियन हो जाएगा तो हम अपनी भी ऑफिस ऑन करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। फिर पता नहीं 10 मिलियन के बाद क्या करेंगे क्या नहीं। आज के टास्क है गेट ए सीट फार्मर 10, कंप्लीट 1 बैटल पास टास्क, सेल 1 कैन और फ्यूल, ये भी कर देंगे। एक ये सेल वाला है, 30 किल करने आ रहे टीम, ये नहीं होगा। 2 रिपेयर किट कार, 1 मशरूम, 2 नहीं हो पाएगा। 4 टास्क हम कर लेंगे, ऑलमोस्ट 40,000 हो जाएगा। और जो सीट्स के हो जाएंगे 10 सीट्स के 30,000, 3,000 के बैटल पास टास्क देख लेते हैं क्या क्या है। बाय 30 क्रिप्टो कॉइंस, बाय एनीदर जूस, स्टार्ट फॉरवर्ड फायरवर्क्स। क्रिप्टो खरीद के देखते हैं, खरीद पाते हैं या नहीं पाते हैं। क्रिप्टो वाला टास्क करते हैं बिफोर दिस क्लोज ऑफ मार्केट। नहीं हो पा रहा है। इन दिस वैलीज ऑफ दिस शेयर इन चॉइस ओवर। नहीं, आई थिंक पैसे नहीं है, हो ही नहीं पा रहा। ये टास्क मुश्किल है, ये टास्क रहने देता हूँ ना, देख लेता हूँ ये वाला टास्क सिल्क एक बार, ये खरीद के देखता हूँ होता है क्या। चलो 20 नहीं हो रहा, यू कैन बी ओनली फॉर वीक। अच्छा, वीक में ही खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टास्क करते हैं देखते हैं। सबसे पहले रिपेयर वाला कर लेते हैं, इसकी गाड़ी रिपेयर किट है आई थिंक, नहीं है मेरे पास, एक आध होनी चाहिए, नहीं है क्या? क्या एक है आई थिंक रिपेयर किट, ट्राई करता हूँ ना। रिपेयर मैंने देखा नहीं, पर एक है आई थिंक। ये ले भाई, एक हो गया। ऑफिस ऑफ दिस टास्क यू ओन बैक, प्ले ऑफिस टू, नहीं चाहिए भाई। तो एक रिपेयर किट खरीदने चलते हैं। कहाँ जाएँ, कौन से पेट्रोल पंप पे जाते हैं? इस वाले पे, इस पे चलते हैं। यहाँ से ऊपर सीट खरीदने के लिए चले जाएंगे, तो जल्दी से इस पेट्रोल पंप पे चलते हैं। अभी सुबह सुबह का है, तो मैंने मार्केट से तो शॉपिंग भी नहीं की है, थोड़ी बहुत की थी। फिर मैं ये ऑफिस टास्क करने के लिए इधर, मतलब कार पार्किंग, कार निकालने के लिए पार्किंग में है, और पार्किंग से ऑफिस टास्क लेना। एक तो ना मेरे पास अभी भी है 2 मिलियन का, तो ऑलमोस्ट मेरे पास सामान पड़ा है। बैटरीज है, 4 बैटरीज है, सीट्स है 300 के लमसम, जो कि 3,000 के अप्रोक्स बिकेंगे। इससे नीचे तो मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं 3,000 से नीचे 1% भी नहीं। और आएगा रीसेलिंग का वीडियो, मैं जैसे जो भी करूँगा रीसेलिंग, वो वीडियो अलग से आएगा, इसमें काउंट नहीं होगा, पर पैसे काउंट होंगे। रीसेलिंग का वीडियो अलग आएगा, वो यही है कि 6 घंटे खेलेंगे, 6 घंटे में हम 2-3 घंटे ये ऑफिस, 1-2 घंटा ऑफिस टास्क लगता है, और बाकी सब हम रीसेलिंग के लिए करेंगे, और उसके वीडियो अलग से आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि जब भी हम वो रीसेलिंग की टिप्स भी दूंगा मैं साथ में, किस तरह से नेगोशिएट करना पड़ता है बंदों से अपनी बात मनवाने के लिए, कि यार इतने में बेच दे, खरीदने के लिए बेचने के लिए।
पेट्रोल तो भरा लिया, फ्यूल नहीं, शेल होता है 7,000 का। तो सही है यार, 10,000 का मिलता कितने का है पता नहीं। तो रिपीट किट खरीद ली मैंने, एक ही खरीदी है। तो गाइस आप देख सकते हो ये आउटफिट, ये एक जना है, मैं भी याद आया, ये तो मैंने उनको शॉपिंग की थी अवेलेबल कंट्री में 30,000 में किया। मैं आपको क्या बता रहा था गाइस, कल है ना मैं बीच मार्केट में था तो मुझे ना एक बंदा मिला जो मेरे शूज आपने देखे होंगे पिछली वीडियो में, देखना अगर नहीं देखे होंगे तो, मैं रेड कलर का शूज पहन के डोलता था इससे पिछली वीडियो में आपको पता होगा। तो ना एक बंदा पीछे ही पड़ गया, बोला कि भाई मुझे बेच दे मुझे बेच दे, 10K दिया उसने, तो 1,000 दिया उसने मुझे, ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये, 1,00,000 के शूज। और वो ना मुझे बैटल पास नहीं मिले थे, मैं सेल ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसने बोला या हम आ गए फार्म पे। तो मैं क्या बता रहा था, मैं यही बता रहा था कि उसने फिर मुझे बोला कि भाई आप है ना नीचे ड्रॉप कर दो, मैं पहले आपको 60,000 दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको 40,000 दूंगा। तो मैं नीचे फेंक दिया उसको, पता नहीं उसको मिला या नहीं मिला। तो आई डोंट नो, ये भी हमारा बैटल पास टास हो गया, पर गजब का किस्सा हो गया गाइस। 1,00,000 ऐसे ही मिल गए यार शूज के। वो शूज तो मतलब मैं बेच नहीं सकता, सिर्फ पहन ही सकता था। अभी तो मुझे पैसे कमाने हैं, बाद में देखेंगे आउटफिट के बारे में। तो जल्दी से गेट एम्प्लॉय करते हैं। तो मगर अच्छे शूज थे क्या, पता नहीं यार, मैं थोड़े से नीचे कर लूँ ये सामान ताकि सीड्स कितने आएंगे वो ऊपर में शो हो, अच्छा लगता है इसीलिए। तो चलते हैं हम अपने धंधे पे, हम बन गए हैं एक किसान, हम तो मजदूर हैं, पानी डाल डाल के सीड निकालेंगे। चलो गाइस ये लो, सबसे ज़्यादा रीसेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको यही बता दूं कि ना एड्स एड डालो मत, अगर आपके एड के पैसे लगते हैं तो एड बिल्कुल मत डालो, अगर पैसे नहीं लगते, प्रीमियम अकाउंट है तो आई थिंक प्रीमियम अकाउंट के पैसे नहीं लगते हैं तो एड डालिए, और ना एड पे नज़र रखिए, बहुत से बंदे डालते हैं एड खरीदने के लिए बेचने के लिए। तो आप उनको चेट, वो भाई पहले भी मिल गया एक दूसरे में भी, हम 20 डालेंगे उसके बाद वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे 20 में, देखते हैं कितने सीड्स मिल जाते हैं हमें फर्स्ट टाइम। मेरा लक बहुत अच्छा है, मुझे आते सीड्स मिल जाते हैं एक दो, उसके बाद लेट मिलता हूँ मुझे आई थिंक 7-8 नंबर लेट मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। 5 तक तो ईजिली मिल जाता है मुझे, 5 के बाद 7-8-9-10 3 सीड ईजी मिल जाते हैं, बीच के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अभी मेरे पास बैलेंस अकाउंट 35,000 है और 2.5 मिलियन मेरे बैंक में पड़े हैं, और मेरे पास बहुत सा आइटम पड़ा है आई थिंक 2500 डायमंड्स नहीं 160 डायमंड सॉरी 2500 कॉपर्स 4 बैटरीज, यहाँ नहीं डालना पीछे डालना भी। तो ये पूरा सेल होगा तो आई थिंक मेरे 5 मिलियन तो इजीली हो जाने चाहिए, 5 नहीं तो 4 मिलियन तो हो ही जाएंगे आई थिंक, कल या परसों की वीडियो में 5 या 6 मिलियन हो जाएंगे। अगर रीसेलिंग में यही है कि आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप कभी सस्ता मिलेंगे तो खरीद लूँगा 1 मिलियन की बैटरीज का ले लूँगा सस्ती मिलेगी, तो वो पैसे काउंट नहीं होंगे, ऐसे चलता है रीसेलिंग में, आता रहता है जाता रहता है बढ़ता रहता है। मैं 1,00,000 से स्टार्ट किया था, मेरे अकाउंट में 1,00,000 भी नहीं पड़ता, 1 मिलियन था आई थिंक, उसी से रीसेलिंग स्टार्ट की, अकाउंट में कुछ नहीं रहता था, मतलब बैंक अकाउंट में कुछ नहीं रहता था, यही 50,000-90,000 और बाकी सब रीसेलिंग का ही। तो वैसे वैसे अभी देखो 2.5 मिलियन हो गए, और जो सामान पड़ा है वो पड़ा ही है, ये प्रॉफिट है बीच का, बाकी तो पड़ा ही है आई थिंक, ज़्यादा ही है। सीड्स मैंने फर्स्ट टाइम में सेल किए थे आई थिंक 140 सीड्स किए थे मैंने सेल, और अभी मेरे पास 300 सीड है, मैं 2500 से नीचे खरीदता नहीं, है ना रीसेलिंग का यही है कि आप है ना एकदम टाइम बना लो कि इतने में खरीदना है इतने तक बेचना है। तो गाइस एक और बचा है, इसको करते हैं फिर करते हैं वीडियो को फास्ट फूड, इंजर कंप्लीट नहीं होगा तब तक।
चलो गाइस, ए फ्यू मिनट्स लेटर, चलो गाइस हमारा बैटल पास टास्क कंप्लीट हो गया। अभी भी तीन और बच्चे हैं, डालना तो खाली कैन करके जाते हैं। आपको दिखाऊंगा कौन कौन से सीड मिले, रुकिए अभी जल्दी से। चल आखिरी ईद के बाद हमारा कंप्लीट 37,000 हो गए आज बैटल पास टास्क से। आई थिंक वो रिपेयर वाला दो हो गया था। एक सीड ये पम्पकिन मिला है, दो ये पपीता वाला, और एक दो ये इसका नाम नहीं पता है, इसका भी केवी क्या हाँ। एक वैल्यूएबल कंटेनर बहुत सस्ता मिल गया, 30,000 में मिल गया। ये इजीली है ना 70-75,000 का सेल हो जाता है। मैंने पिछला किया था 77,000 का, तो 75-77 के बीच सेल हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट डबल। 30 में ख़रीदा, 30 इसके मिल गए मुझे डबल। 30 तो मिलेंगे मिलेंगे, 30 और मिल जाएंगे, तो लीव करते हैं जो। अब हमें फ्यूल कैन बनाना है, और मेरे पास देखता हूँ वो बैरल कितने हैं, ऑयल बैरल, और जो बाकी बच्चे हैं वो मैं ख़रीदूँ क्या या निकाल लेता हूँ। टाइम है मेरे पास अभी, तो ख़रीदना क्यों, पैसे क्यों बर्बाद करने, तो जो करके निकाल लेते हैं। कितने हैं, 28 ये देखो, ये 44 पम्पकिन, 45 पम्पकिन हो गए हैं, और 88 ये हो गए पेपर वाले, ये हो गए 145, और ये हो गए 60। कॉपर कितना हो गया, कॉपर 20, ये 42,000 का कॉपर हो गया, ये निकाल लेता हूँ मैं। और क्या है, और इसको एक नंबर पे डालना, और चार बैरल इसको यहीं देने देता हूँ ना, इसको डाल देता हूँ। यार ये सेल नहीं हो पाती ये वाली, इसको मैं बीच मार्केट पे कल लगाऊंगा। कल सौ प्रिंट करके इसको मैं बीच मार्केट पे लगा दूंगा इनको। कितने तक, 90-800 के ईच पे लगा दूंगा, क्यों काफ़ी टाइम से पड़ी है यार। इसका तो ना एड भी नहीं आता, मैंने बहुत देखा पर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है यार। ये टिकट ये मैं बाद में सेल करूँगा, कोई इवेंट आएगा ना उसमें यूज होगा ना, तब सस्ते में क्यों निकालना। उस टाइम पे ये 4,000 की एक भी बिक सकती है। चलो क्राफ्ट में जाके देख लेते हैं कितना चाहिए। ये रहा प्रीमियम फ्यूल, यार 34 है मेरे पास, 70 चाहिए अभी भी। तो गाइस ये देखो यार, मेरा है ना ये बड़ी दिक्कत, ये पीछे बैठ जाता है। और गाइस अगर बैटल पास के ना 40 लेवल हो जाएगा ना, 40 लेवल बैटल पास पहुँचे तो हम एक कार्डियो और क्लेम कर सकते हैं, तो आई थिंक वो भी 2 या 3 दिन में हो जाना चाहिए 40, क्योंकि 32 हो गए, 8 लेवल और ही बाकी है। मशरूम कुछ नहीं है, रहने देता हूँ, बहुत मुश्किल से मिलता। मैंने एक दिन ट्राई किया, आधे घंटे तो घूमा, पास चला गया पर कोई दूसरा आके निकल गया। देखो 32 लेवल हो गई है, जो ये मैं बाद में करूँगा, मतलब इसके पैसे तो मिलते नहीं हैं। क्लेम करना होगा तो मैं 2 दिन का एक साथ क्लेम करता हूँ, तो कल की वीडियो में दिखाऊँगा आपको तो क्या क्या क्लेम किया, ये मैं बाद में कर लूँगा आराम से, क्योंकि इसमें गांव भागना बहुत रहता है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। तो अभी हम जाते हैं पम्पकिन, वो मतलब बैरल बनाने के लिए ऑयल स्टेशन चलते हैं। गाड़ी हमारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, अच्छी क्या है यार, एकदम मस्त है। तो गाइस यही ये रुक क्यों गई, A few inches later. चलो चलो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे, गाड़ी आपकी दूर पार्क लगाऊँ, वरना कल है ना मेरी गाड़ी चली गई थी पता नहीं कहाँ पे, तो यहाँ ऊपर से जाऊँगा मैं। कल मैंने देखा बंदे ना ऊपर चढ़ चढ़ के करते हैं, तो आज मैं भी ट्राई करूँगा यहाँ से। ये दबाता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ गाड़ी गई तो नहीं ना, नहीं यार खड़ी है, एक बंदा ऑलरेडी कर रहा है। तो गाइस एक बैरल बनाते हैं, उसके बाद यही है यार, क्या क्या हो गया, ये फिर से हट गया। ये दबाता अब बनाता हूँ एक बैरल, फिर करता हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग। चलो इसलिए ये
ये वाले शूज पे है ना शूट नहीं कर रहे थे मेरे वो कपड़े, वो मतलब येलो वाली टी शर्ट, तो मेरे पास ये वाली, तो ये पहन ली मैंने, इस पर अभी शूट कर रहा। वो शूज अच्छे थे वास्तव में, पर क्या करूँ, मुझे अभी पैसे अर्न करने। तो 12 seconds later चलो गाइस एक बाकी है, आई थिंक हो गया, मैंने पिछला चेक किया था होने वाला है, जस्ट काफ़ी टाइम लग गया गाइस, देखो 70 मैंने कर लिया। ओ भाई नीचे गिर गया, सही है, मरा नहीं वरना हॉस्पिटल पहुंच जाता, फिर पार्किंग में निकालने की प्रॉब्लम गाड़ी को। एक तो ना अपना घर घर खरीदूँ ना खरीदूँ, कमेंट कर में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम वो ऑयल बैरल बना के भेज देंगे इसको, इस वाले पे चलते हैं, पास में ही है, यहाँ से ही हम मार्केट चले जाएंगे। तो क्या हुआ, मैं एक मिनट कुछ नहीं यार, जान दो, कुछ चीज़ देखी थी मैप में, पता नहीं क्या था। अभी तो मैं एक घंटा पहले ना बीच मार्केट में घूम लेता हूँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक घंटा ना बीच मार्केट पे घूमता रहता हूँ, सस्ता प्रोडक्ट आता है ना तो मैं ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है वैसे ही मैं ना घुस जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बंदे सस्ता सस्ता लगाते हैं। इसीलिए अगर आपको वो चीज़ स्टार्टिंग से ही देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फिर वीडियो वहीं से स्टार्ट करूँगा, यहाँ ये टास्क वास्क का नहीं, वहीं से ही, फिर लंबा ज़्यादा हो जाएगा वीडियो वाइज, ये टास्क वास्क करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए शॉर्ट ही अच्छा है। और रीसेलिंग के वीडियो अलग आएंगे कि मैंने कितने सीट्स खरीदे, कितने मैंने वो बैटरी खरीदी, कितने में मैंने बैटरी खरीदी, कितने में सेल करी, सब आएगा। तो पेट्रोल पंप पे चलते हैं, अपना वो प्रीमियम फ्यूल बना के सेल कर देते हैं, हमारा एक बैटल पास टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा बैटल पास का। 50,000 हो गए हैं ऑलमोस्ट, हाँ बैटल ये ऑफिस टास्क से, वो सीड हो गए 30,000 के, 50, 30, 70,000 ऑलमोस्ट 70 के ही कमा पाया गया इस आज तो मैं ये बैटल पास टास्क से। रीसेलिंग से कमाऊंगा वो अलग बात है भाई, वो वीडियो के एंड में पता चलेगा आपको, तो वीडियो पूरा देखिए। क्रिएट करता हूँ, 1K इफेक्ट हो गए, ये भी 10,000 में बिक जाता है, अभी इसको करते हैं सेल। एक चलो गाइस ये हो गया है सेल, ये हमारा बैटल पास टास्क कंप्लीट हो गया है, 64 हो गए हैं पैसे, वो मैंने 30,000 के ऑलमोस्ट 90-10 के हो गए, वो 10 ये के मैंने मतलब 6 ओवर्स वाले लगा रखे हैं, तो ऑलमोस्ट आज की कमाई बैटल पास टास्क और ये इन्वेस्टमेंट 3 days later इन्वेस्टमेंट की मिला के 2 लाख हो जाएगी। तो गाइस मैं बीच मार्केट आ गया हूँ। ओ गाइस क्या यार फैमिली वाला मार, क्या घंटा सॉरी बोल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अपनी फैमिली वाला मार रहा बात बात, और ऊपर से सॉरी और बोल रहा है, क्या चूतिया पर लगा रखा है। अरे यहाँ पार करता हूँ, पैसा असली पैसा रीसेलिंग में ओपी स्टॉक 24/7 स्टोर। तो गाइस 10 मिलियन हो, 10 मिलियन होने पे आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं कौन सा बिजनेस ओपन करूँ 10 मिलियन में जो इजीली आ जाएगा। ये बाकी जो बचे हैं क्योंकि सेम कंटेंट के लगते हैं, क्या करूँ मैं, एक बार इनको नीचे डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि बैक पैक में भी जगह है, ऊपर अच्छे नहीं लग रहे मुझे। चलो चलो डिकिया ऑफ कर देते हैं, हम बीच मार्केट जाता हूँ, जिस शॉप पे मुझे ख़रीदने का आएगा वो मैं दिखा दूंगा, जिस पे नहीं आएगा तो मैं बाद में ही आपको दिखाऊंगा, तो सॉरी उसके लिए, वरना पूरा मैं नहीं दिखा सकता। यहाँ पे भी आग लगी है, फायर वाली जॉब्स करनी चाहिए। कॉपर बेचता है 127 कितने का भाई, 29,000 का, बहुत महंगा है, 30,000 का महंगा है, महंगा महंगा। ये वाली शॉप्स यहाँ पे है ना, मुझे मिला कुछ काम का, 15,000 के मुझे 260 मिल रहे हैं,
मतलब वही 70-80 के लमसम आई थिंक काउंट कर लेता हूँ मैं। एक मिनट रुक जाइए, कैलकुलेट करता हूँ मैं। 10,000 × 270 यही ऑलमोस्ट 70 के हिसाब से कुछ तो खरीद लेते हैं। मैं 8,000 करके सेल करूँगा क्योंकि बंदे 8.5 ही खरीदते हैं। तो इसमें भी नहीं है कुछ, एक बैटरी 45 का बेच रहा है। नहीं भाई मैं खुद 40 का बेचता हूँ क्योंकि इतने में खरीदते हैं बंदे। ये क्लोजेस ऑफ ये वाली या ऑयल बैरल 22,000 के सोप। यहाँ कॉपर है 38,000 के 375, ये भी ऑलमोस्ट 80 के हिसाब से खरीदूं यार। 80 के ईच है, क्या सोचूं, रहने देता हूँ ना यार, क्योंकि 50 के ईच में कोई बंदा 100 के ईच में खरीदेगा तो $20 का प्रॉफिट होगा। और इनको चलो गाइस, मैंने सारी शॉप मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, एक बची है। तो गाइस अब मैं 6 घंटे के बाद मिलूँगा आपको सीधा, तब मैं आपको पैसे भी दिखाऊंगा काउंट वाउंट करके कि कितना है। एक बार मैं इसको ये सेल कर रहा 7 वैल्यूबल कंटेनर कितने के ईच पूछ लेता हूँ ना, अगर सस्ता मिलेगा 30-35 का तो खरीद लूँगा, 50 का मिलेगा तो भी खरीद लूँगा मैं। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, लग रहा है सो गया, किसी और से बात कर रहा। एक बार हेलो लिख के देखो। इसके बाद मैं 3 घंटे बाद आगे बात करूँ। 35 नहीं भाई 77 में तो मैं खुद सेल करता हूँ। ना 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 रहने देता हूँ, मिलता हूँ आपको 6 घंटे के बाद। 6.5 hours later. तो गाइस पूरे मेरे 6 घंटे कंप्लीट हो गए आज के, और मैं आया हूँ यहाँ पे कैसीनो, क्योंकि कैसीनो में एक फ्री स्पिन मिलता है। अगर आप भी 4 घंटे खेलते हो रेगुलर तो यहाँ पे स्पिन आके जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट वो मिल जाती है ना चिप्स, अगर 100 चिप्स मिलती तो 9,000 की लमसम मिल जाती है आपको। यहाँ पे भी सेल कर सकते हो आप। मुझे क्या मिलता आज, आज कुछ नहीं, बेड लक। चलो गाइस 100 का एक स्पिन होता, रहने दो। एक बार मैं ना 242,800 है, मैं एक लाख यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 3 लाख कमा लिए आज। नहीं 3 का अभी रुको, अभी पता चलेगा मैंने कितने कमाए आज, क्योंकि 2.1 मेरे अकाउंट में थे। जल्दी से रिप्लेस करूँ मैं, कितना करूँ यार, मैं 150 कर देता हूँ। 150 हाँ, 9,000 ही तो कम रहे हैं। हाँ यार 9,000 ही कम रहे हैं। हाँ 9,000 ही, और एक वैल्यूबल कंटेनर और हो गया, ये 2 हो गए। ये हम ओपन करेंगे, उसका भी वीडियो आएगा अलग से। तो गाइस आज का वीडियो यहीं हम एंड करते हैं। मगर एक का ना डायमंड खरीद रहा है बंदा, पूछ लूँ, मेरे पास डायमंड पड़े हैं आई है, पर मैसेज करता है तो देखता हूँ यार। मेरे डायमंड नहीं बिक रहे, मेरे ऑलमोस्ट 8K ईच लगा देता हूँ, 1 मिलियन के डायमंड पड़े मेरे पास। मैंने एक बार खरीद लिए, क्या ही बोलूँ यार, गलती हो गई क्या नहीं हो गई पता नहीं, पर 1 मिलियन के डायमंड पड़े हैं। वो 50K आई थिंक 50K के ना मेरे पास रूबी पड़ी है, क्योंकि बिकने का नाम नहीं ले रही है। डायमंड रूबी मैं नहीं खरीदूंगा भाई, बहुत कम सेल होता। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।